जल्दी कर बेटा, आज तेरी वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब एक भी सवाल तेरा गलत हुआ ना, चिड़ा लाइव पिटेगा एकदम लाइव। वो मैं करूंगा ही नहीं, मैं सब आता है। अरे तो मैं मुझे पता है ना कितना होता है। ए, तुम्हें क्या हुआ? ये मुझे क्या हुआ? क्या लेके बैठी हो? दिख नहीं रहा क्या लेके बैठी हो? मेहंदी घोल रही हूँ। अरे तुम मेहंदी घोल रही हो? ये क्या तुम फिर तुम दीपक पतंजलि की मेहंदी है। पतंजलि की मेहंदी ऐसे कह रही हो? क्या है इसमें? ये होती मतलब क्या स्पेशल है इसमें पतंजलि की? वो है तो ये हर्बल है, हर्बल मेहंदी। इसमें कोई कहाँ से आई केमिकल है? नहीं है। सीधे पेड़ पे उगी है क्या ये? हाँ पेड़ पे हुई है, बाकी कहाँ पेड़ होती पे है? उगी है, पेड़ से तोड़ के लेकर आए हैं। बाकी कहाँ होती है? बाकी पता नहीं कहाँ होती है, पर इनकी मेहंदी पेड़ पे होती है। सुनो, हाँ शुक्रिया। या तो तुम पागल हो गई या तुम सोच के बैठे हो हमें पागल करोगी। चुप करो, मेहंदी बोल रही हूँ, मेहंदी सर पे लगाऊंगी। कल कल संडे है ना। ये मुझे बताओ खाने का बन रहा है रेसिपी या कितने लगाने का है? मेहंदी या तुम ये कॉफी डाल रही हो यार? कॉफी है कॉफी तो ये इतनी देर में हम पी रहे थे रात में बैठकर। ये सर पे लगाऊंगी। मेरे रात भर का पढ़ने का इंतजाम हो जाता है। और नहीं तो क्या? क्या कसम कॉफी ये तुम देखना यार टाइम क्या हो रहा रात है। के 12 बजने वाले ये थे। टाइम वाइम मत दिखाया करो यार तुम। तब ये 12 नहीं 1 बजने वाले हैं। 12:20 हो रहे हैं। हाँ 12:20 तो जब मुझे हो रहे टाइम ही यही मिलता है तो मैं क्या करूँ? पता है कितने मुझे मुझे लग रहा है पूरी सर्दी मैंने बालों को बिल्कुल केयर नहीं किया है। अब थोड़ा सा मौसम सही हुआ था, सोच रही थोड़ा मेहंदी वेहंदी लगाऊँ। पता इससे क्या पता चल रहा है कि पूरी सर्दी में नहाई नहीं हो? इससे तो यही पता चल रहा है कि अब मौसम ठीक हुआ है तो मैं नहाऊंगी, अब मैं नहाऊंगी और सर दूंगी। यार ये मैंने तो ये नहीं गलत, बोला, नहीं तो मतलब तो यही निकला। नहीं मैंने ये बोला कि मैंने सर पे मतलब स्पेशल कुछ नहीं किया, जैसे कि मेहंदी लगाना कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं वो बस पानी को देख के वैसे ही ठंड लग जाती है बस, वो निकल गया सच्चाई। अब ये क्या है? दही दही बिल्कुल खाने की रस नहीं बढ़ रही है। तुम मैंने पक्का तुम सर पे लगाओगे इसे? नहीं मैंने कल सोच रही हूँ कल संडे है, कुछ स्पेशल बेटा एक काम कर तू, वो ना मसाला स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी कल मैं संडे समझ में। गया, लगाऊंगी मैं समझ गया बेटा। तू काम का मसालेदानी वाली लिया इसमें ना, जब तक ना उसका गर्म मसाले का तड़का नहीं लगेगा ना तब तो मज़ा नहीं आएगा। वो मैं लगा दूंगी आप चिंता ना करो। ये क्या है? ये क्या है? बीट रूट। अभी तुम सच में पागल तो नहीं हो गई? सुनो इसका क्या मतलब है। ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चुकंदर का पानी। अरे लेकिन इसके इसे क्यों डाल रही हो? बालों में बढ़िया सा कलर लाने के लिए। तो ये तो रेड हो जाएगा। ये रेड वैसे रेड नहीं आएगा, बरगंडी सा कलर आएगा जब मैं बालों को वॉश करूंगी ना। हाँ बहुत बढ़िया कलर आएगा। ये तुम्हें किसी ने बताया है या तुम अपने से कर रही हो? क्या कर रही हो ये? कोई क्यों बताएगा, हमें पता नहीं है क्या? कमाल कर रही हो। कौन सी क्या हमें तो नहीं पता, आप लड़की हो तो जरूरी है लड़की को पता होगा। और ये क्या ये ऐसा सब, तो नहीं है ये सब इतना बड़ा तो ये कहते हैं वो खास है ना फॉर्मूला नहीं है कि लड़कों को नहीं पता होगा लड़कियों को ही पता होगा। ये सारे फॉर्मूले लड़कियों को ज्यादा पता होता है, लड़कों को मैं समझ गया। अब मैं खामों को बोलूंगा नहीं। बोलो भी मत। नहीं 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 बोलूंगा। जब से बोले जा रहे पता नहीं क्या क्या आप लगाओगे कल। मेरा दिमाग खराब है अभी मैं ये खा तो रहा नहीं हूँ, मैंने सर पे लगाऊंगा। जब मैं अगर अभी मैं फिर वही वाली बात आ जाएगी, मैं अभी कॉफी मांगता ना ये कॉफी ना मिलती और सर पे लगने के लिए कॉफी लग रही है। कॉफी जो है खत्म हो गई है। बस अब तो खत्म होगी होगी, मुझे थोड़ा पता था ये कॉफी खा पीने के अलावा है ना सर में लगने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब ये बता दो तुम ये कहीं ऐसा तो नहीं सोडा हो? नहीं, सोडा तो नहीं है। नहीं, पानी है ये पानी है। अरे बाप रे। और अभी कल जब लगाऊंगी ना इसको तो इसमें एक अंडा भी डालूंगी। हे भगवान, राम 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 राम। इसमें अंडा भी चलेगा? मेरे बाल पता है कितने बेकार हुए पड़े हैं, आपको क्या पता। अच्छा इसमें मुझे बताओ कुछ और भी चीज है? कुछ और भी चीज डलेगा? भिंडी आलू प्याज बहुत कुछ होता है। हाँ इसमें भी मुल्तानी मिट्टी डलेगी और हाँ फिर और बेटा तू एक सुनाओ इसमें वो भी है क्या? अभी बेटा थोड़ा गंगा जल ला, गौमूत्र और ला, थोड़ा सा गोबर और ला गाय का, हैं ये सारा डाल दोगी? तुम सुनो मेरी बात सुनो। देखो आज सैटरडे है, कल संडे तो बंद होगा। क्या बंद होगा? जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ, तुम मंडे सुबह उठते तैयार होते ना मेरे साथ चलना। मैं कसम से तुम्हें अच्छे से ना डॉक्टर दिखाऊंगा। नहीं कसम से मजाक नहीं दीपा, तुम समझो तो सही क्या चीज़ बना रही हो। दिन दुनिया का कुछ पता है आपको? यार ये दुनिया इससे थोड़ी चल रही है, अगर इससे चल रही है तो फिर तो प्रकृति नहीं नहीं अगर दुनिया इससे चल रही है तो प्रकृति का नाश है, पक्का नाश है फिर तो प्रकृति का। इसी से चल रही है। अगर ये ऐसे चल रही है ऐसे ऐसे चल रही है, अगर ऐसे चल रही है तो बस बस ठीक है समझ गया मैं। ये बन गया है एक बढ़िया सा क्या हेयर मास्क। हेयर मास्क फेस मास्क सुना है, हेयर मास्क सुन लिया। सुन लो और क्या रहेगा, सुन ले को। अच्छा ये सर पे लग रहा है, मुंह पे नहीं लग रहा। मुंह पे भी मैं सोच रही थी लेकिन अब टाइम लग रहा। इसे इसे चुकंदर को इसे क्यों लगाऊंगी मुंह पे? तुमने बोला मैं सोच रही थी मतलब मुंह के लिए मैं अलग से। बेटा तू एक काम कर, तू तो अपना पढ़ ही ले, तू मत देख, नहीं मुझे तुम्हें भी ले जाना पड़ेगा। शट अप।
ये रात भर ऐसी रहेगा तुम अभी लगाओगी? ये भी तो बताओ मुझे, ये रात भर रखूंगी अभी ऐसी। फिर क्या हो जाएगा इसके साथ रात भर? नहीं कलर आएगा ना रात भर में अच्छे से, काला या लाल देखना आएगा, बढ़िया सा कलर आएगा। मुझे अच्छा ये मुझे बताओ, ये खुद मैं वो कहते हैं जो चिंता ना करो, देखो सुबह आपकी भी जितनी सफेद वाला हाँ। मैं भी लगा दूंगी, मैं मुझे अपने सफेद ही पसंद है फिर। अनिल एक बात तो बताओ, मेहंदी का कलर क्या होता है? लाल। चुकंदर ने क्या किया? ये थोड़ा सा मतलब बरगंडी सा कलर ले आएगा, क्योंकि मेहंदी का कलर ना जैसे ऑरेंज ऑरेंज। मुझे इतना नहीं पता, मुझे तो पता है काला या लाल। जब कुछ पता नहीं है तो फिर इतना बोल क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है ना ये कि तुम बना क्या रही हो ये दीपा, कल की रेसिपी तैयार हो रही है ये हाँ। पराठे तो नहीं बन रहे? पराठे ही बनाऊंगी, चीला बनाऊंगी। सुनो कब आ रहा हूँ, तू इसको ना रात को मेरे हिसाब से गायब कर दूंगा। हाँ तुम सच बताओ, सच बताओ, कभी ये कुछ रेसिपी तुमने यूट्यूब पे तो नहीं देखी वायरल होने के लिए? कसम से बताओ मुझे, पक्का तुम इसे सर पे लगाओगी? तुमने आधी चीज दीपा इसमें खाने वाली मिलाई है? हाँ तो डलती है, बस एक मेहंदी है जो सर पे लगाने वाला। सारी चीजें डलती है बेटा, तुम कल कोई भी सुबह बहुत कुछ डलता है, लेकिन मैं मेरी बात सुन लो, संडे मॉर्निंग है, कोई फरमाइश नहीं करेगा ब्रेकफास्ट की, सिंपल सा हम लोग आलू के पराठे खा लेंगे, हमें कोई फरमाइश नहीं चाहिए। कभी ये हमारी फरमाइश कोई नई रेसिपी सोच के हमें बनाने वाली हो, सारे सफेद आलू के पराठे होते हैं, थोड़ा ब्राउन करके खाते हैं। हाँ 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 ऐसा कुछ बेटा, वो मम्मी का फोन की ना हिस्ट्री चेक कर, कहीं कुछ आज ऐसी वायरल तो वो कुछ वीडियो नहीं देखी, कभी हमें दही के शोले की जगह मिल रहे हो मेहंदी के शोले। अभी देखो इसमें अभी से कितना कितना प्यारा कलर सा लग रहा है ना। कलर नहीं आया, वो पागलपन के दौर पे गुजर रही है। अभी जब कल लगाऊंगी ना, जब वॉश करूंगी तब दिखाना कैसे मेरे बाल लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, मुझे तो अभी से लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ भविष्य। अभी तो मैं इसमें बुलबुल उठ रहे हैं, इसमें बुलबुल उठ रहे हैं। नीचे चला जा, गौ माता नीचे ही है, थोड़ा सा लिया दीपा, वो भी डालना चाहिए, मैंने पढ़ा था गोबर। हाँ अरे मैंने पढ़ा था भाई, मैंने देखा था। और सुनो और मेरी बात सुनो, गाय का गोबर तो वैसे ही शुद्ध होता है। अब पानी की जगह ये ऋषि मुनियों ने कहा है, मेरी उनसे बातचीत सारी हुई थी, उन्होंने कहा था ये चीजें तो गौ माता का तो वैसे गोबर तो बहुत ही बढ़िया शुद्ध होता है। आप ये देखो ना गौमूत्र तो नहीं नहीं बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक मैं मुझे बताओ, ये इसमें कुछ और भी है क्या बाकी? बस सुबह अंडा डले। अच्छा हाँ, अभी अंडा भी डलेगा सुबह डालूंगी इसलिए अंडा। देखो मेरी बात सुनो, कच्चा डलेगा या ऑमलेट? अब मुझे क्या पता भैया, मुझे तुमने कहा ना कि तुम्हें कुछ पता हो दिन दुनिया का, मुझे तो नहीं पता। कच्चा डलेगा, देखो उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। ये बन चुका है मेरा हेयर मास्क, अब इसे मैं बांधने। अच्छा ये कितने घंटे रहेगा? कम से कम 3 घंटे लगाऊंगी सर पे। ये उस दौरान तुम ना कुछ खाना वाना बनाना मत दीपा, खाना वाना मत बना। देख लो। हाँ देख लिया मैंने, मैं दूध ब्रेड तो बेटा मेरा चाय बना देगा। हाँ 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 मुझे वो बिल्कुल, मैं एकदम तैयार हूँ, मैं तो ब्रेड और वो खाऊंगा पड़ोस में अपने। मेरे पड़ोसी जिंदाबाद मुझे खिला देंगे। नहीं नहीं भैया, मैं कहते हैं वो कर लूंगा, मेरा बेटा बना देगा मेरे लिए ब्रेड और वो चाय। नहीं वैसा नहीं 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 नहीं, मेरे आस पड़ोस में बहुत लोग हैं। ना ना भैया मेरी बात सुनो, क्योंकि कल तुम पता चला लगाओगी सर पे और ये पता चला हमारे ब्रेकफास्ट में जा रहा है। नहीं नहीं आपका धन्यवाद, आपकी सेवा समाप्त हुई, 12:30 हो चुके हैं, 12 बजे लेके बैठे थे, 12:30 हो गए भैया, लोगों की आधी नींद पूरी हो गई और वो कहते हैं ना हम तो चले, बाय गुड नाइट बाय।